I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you. एवरीवन, सो यहाँ पर तीन यूटेंसिल्स हैं, जो ग्लास वाला यूटेंसिल है इसमें दही है, और ये वाला जो यूटेंसिल है इसमें काफ़ी सारी मलाई है जो हमने 15 डेज से कलेक्ट करी हुई है, और ये जो दूसरा वेसल है इसके अंदर मिल्क है. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये थोड़ा सा जो दही है ना वो मैं इस मलाई में डाल रही हूँ. आज मैं फर्स्ट टाइम एवर होममेड घी बनाने वाली हूँ. मैंने अपनी मम्मी से कल रात में बात कर लिया था कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, क्या होगा. तो अभी यहाँ पर सुबह मैंने 2 स्पून इसमें दही डाल दिया है. इसको मैं बाहर ही रखूँगी एंड शाम को इसका घी बना दूंगी. सो यस, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि दही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए. थोड़ा सा दही मैं अपने बालों के लिए निकाल रही हूँ, एंड उसके बाद जितना भी दही बचेगा उसको मैं एज अ उसके ऊपर अगेन मिल्क डाल करके इसको फिर से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रख दूंगी. तो ये भी अगेन रात तक शाम तक हो जाता है, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है. All alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best for you. तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी है. काफ़ी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, सो आई एम नॉट शेयरिंग इट. वेरी सिंपल वाला मेथड बना रही हूँ मैं, अनियन एंड भिंडी. और दूसरी तरफ मेरी जो दाल है उसका तड़का मैंने लगाया है, एंड आजकल हम ये कास्ट आयरन वाला जो पैन है ना, इसी में दाल बनाते हैं. हम लोग तो बहुत कम ही, मतलब हम 2 लोगों के लिए तो बहुत थोड़ी सी दाल बनती है, तो उसमें दाल ईजिली बन जाती है. और एक तरफ मैं तब तक रोटियाँ भी बना रही हूँ. तो येस, आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग, और फोर्थ साइड में मेरे वीडियोस भी चल रहे हैं. मतलब मैं सब कुछ एक साथ कर रही हूँ, और मेरी कुकिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब थोड़ा जल्दी सुबह, क्योंकि फिर मुझे अपने काम के लिए बैठना पड़ता है. नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल. बहुत देर बाद मैंने वेलकम किया है बाय द वे. तो अभी तक आपने देख ही लिया जो भी चल रहा था, तो मेरा सारा काम हो चुका है. मैंने शावर ले लिया है, शावर लेने के बाद मैंने लंच भी कर लिया था. उतनी देर में मेरे जो बाल हैं वो ड्राई हो गए हैं. तो अभी डे क्रीम में मैं लगाने वाली हूँ. तो दिस इज द डर्माको 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम. दिस इज एब्सोल्युटली गुड फॉर पिगमेंटेड स्किन. अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, यूजुअली हमारी जो पुअर लाइफस्टाइल होती है, ऊटपटांग खाना पीना होता है, हमारे जो स्लीप साइकिल होती है वो आड़ी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स काफी इंबैलेंस हो जाते हैं. तो एज के साथ साथ समटाइम्स आपको पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन होने लगती है. यूजुअली मेरे स्किन पे जो पिगमेंटेशन होता है, मैं आपको पास से अपनी स्किन दिखाती हूँ, तो मेरे स्किन पे जो पिगमेंटेशन है वो एक्ने मार्क्स का ही होता है. उसके लिए आप ये डर्माको का 2% कोजिक एसिड क्रीम जो है वो यूज कर सकते हैं. इसका जो कोजिक एसिड है पेनिट्रेट्स थ्रू द स्किन टू रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन जो आपको हो जाता है, डार्क स्पॉट्स जो हो जाते हैं, ब्लेमिशेस जो होते हैं, स्कार्स जो होते हैं, उनको ये रिड्यूस करता है. ये आपकी स्किन को इवन आउट करता है, मेलिस्मा को ट्रीट करता है, साथ ही साथ जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनके अपीयरेंस को भी कम करता है. यूजुअली एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से ही हाइपरपिगमेंटेशन आपके स्किन पे होता है, तो ये उसी को कम करता है. तो इसको आपको अपने क्लीन एंड ड्राई फेस पे लगाना होता है. तो एक जेनरस अमाउंट में ले रही हूँ, एंड जहां पर थोड़ा पिगमेंटेशन है वहां आप अच्छे से इसको मसाज भी करिए अपने स्किन पे.
मैं जैसे ये जो एरिया है पिगमेंटेड है ये हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ। आपको अगर आप दिन में इसको लगाते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, एंड इसको अप्लाई करने से पहले एक बार एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। दरमागो के जितने प्रोडक्ट्स हैं आर डिज़ाइन यूजिंग साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर सेफ एंड इफेक्टिव टू यूज़। दरमागो एक ऑनेस्ट ब्रांड है जो कि डिस्क्लोज करता है परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑन द पैकेज इटसेल्फ। द दरमागो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं नायका, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे, एंड साथ ही साथ दरमागो की वेबसाइट पर भी। अगर आप स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट दरमागो की वेबसाइट पर। दरमागो बिलीव्स इन अ लाइफ विदाउट फिल्टर्स, लव द स्किन यू वर बॉर्न विद। ये बात मुझे इस ब्रांड की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं फटाफट से थोड़ा सा, मुझे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम करना है, मतलब इनवॉइसेस वगैरह का, ये काम भी मैं खुद ही करती हूँ, तो ये सब मैं करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से 2 घंटे के बाद मिलूंगी। सो यस, फटाफट से वाला काम कर लेते हैं। आउट ऑफ मंथ की स्टार्टिंग हुई है तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सॉर्ट करना है, एंड या फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। व्हाट्स अप गाइस, सो आई गॉट दिस पार्सल। दीज आर द मैक्रम थ्रेड्स जो कि मैंने अमेजन से परचेस करे हैं, एंड ये थोड़े पेस्टल कलर्स में हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए लाइट बेबी पिंक है, दो आई हैव डार्क पिंक एज वेल, बट थोड़ा लाइट पिंक टाइप का कलर लिया है। देन दिस इज़ ए ग्रीन कलर, ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है। ये मैंने गलत ऑर्डर कर दिया, ये मैंने एकदम जो 2 mm होती है ना, मैंने वो पर्पल के चक्कर में, पर्पल कलर मिलता नहीं है आसानी से, सो आई जस्ट गॉट दिस पर्पल कलर। देन ये थोड़ा सा लाइटिश ग्रेश ब्राउनिश काइंड ऑफ अ कलर है, सो इस तरह से मैंने ये कलर्स लिए हैं। आई विल लिंक इट डाउन जहाँ से भी मैंने परचेस करे हैं। तो एक्चुअली अमेजन पे थोड़े एक्सपेंसिव हैं, जैसे एक बंडल मिलता है 320 rupees का, और जो बाकी जो ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर्स वगैरह है वो देते हैं 280 rupees में देते हैं, तो कितने रुपीस का फ़र्क है। बट क्योंकि मैंने जिस जगह से लिया अमेजन से, मेरा लेने का मेन ये मोटिव ये था कि मैं अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं रिटर्न कर सकूँ, है ना। आई एम नॉट इन टू द बिजनेस, मतलब मैं ऐसे लॉट में मुझे नहीं लेना है कि मुझे किलो में एंड केजीज में लेना हो। तो जो लोग केजीज में लेते हैं ना, तोलवा करके लेते हैं, उन लोगों के लिए ये महंगा पड़ेगा। आप तब फिर वो बड़े बड़े बंडल्स जो लिया जाता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आपको इसका बिजनेस स्टार्ट करना है, बट अभी सीखने वीखने के हिसाब से लेना है तो आप इस तरह के 2-3 बंडल्स ले सकते हो। तो अभी तो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं मतलब इस मंथ के लिए ये सब प्लानिंग नहीं है, ये कुछ प्लानिंग चल रही है किसी और चीज़ के लिए, तो मैं बताऊंगी मुझे क्या क्या बनाऊंगी वो सब मैं शेयर करूंगी, बट इस मंथ मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। तो आप मुझसे पूछेगा मत कि आप मैक्रेमे वाला वीडियो कब डालोगे या कब बनाओगे, तो ये इस मंथ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको कहाँ रखा जाए, बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है इसको रखने की। एंड लुक एट द वेदर गाइस, कितना ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बट पानी नहीं आ रहा है। तो अभी मैं 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई थी इस इंतज़ार में कि बारिश होगी, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम डेंस क्लाउड होते हैं ना, काले वैसे दिख रहे हैं, बट बारिश नहीं हो रही है, और मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ बारिश का। वैसे जून आ गया, मुंबई में यूजुअली 15 जून तक रेनी सीज़न हिट कर जाता है, मतलब मानसून हिट कर जाता है यहाँ पर, बट अभी देखते हैं। थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं बस ऐसी बिना, ना मैं कोई रिकॉर्ड कर रही थी ना मोबाइल यूज़ कर रही थी, बस मैं ऐसी ही बैठी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए प्लांट्स का अपडेट मैं आपको देती हूँ, अगर आपको याद हो जब मैंने बैल्कनी मेकओवर डाला था तो वो जो प्लांट्स जब आए थे तब एकदम खाली खाली था ना ये, तो अभी काफ़ी अच्छे बुशी से हो गए हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है बाय द वे। सो लेट मी शो यू, दिस इज़ द अपराजिता, एंड लुक एट दिस, ये कितना अच्छा हो गया है, ऊपर तक पहुंच गया है ये। एंड ये मनी प्लांट जो है इसको भी मुझे देखना है कि मैं कहाँ इसको भी ऊपर पहुंचाना है। कुछ लीव्स हो रही हैं येलो, इन सबको मैं निकालूंगी, तो मैं एक दिन डिसाइड करती हूँ उस दिन मैं ये सब निकालती हूँ। ये देखिए, तो इनको हटा देना चाहिए जो ख़राब लीव्स होती हैं। मनी प्लांट है, इसका बेल जो जा रहा है वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। शाम को अभी कुकिंग करने के लिए जाती हूँ, वैसे मेरा मन नहीं हो रहा है कुकिंग करने का, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बट अच्छी बात ये है कि हमारे किचन में भी इतनी ही बड़ी बैल्कनी है, तो उसकी विंडो ओपन करके काम करना स्टार्ट करूँगी मैं। मेरे पास ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आपकी इस बैल्कनी में छिपकली नहीं आती है क्या, तो मेरी जो किचन की बैल्कनी है ना उल्टा उसमें छिपकली आती है, जबकि उसमें हमने नेट वेट भी लगा दिया, उसमें एक ना पाइप जहाँ से आ रहा है वो जो वाटर पाइप होता है ना वो कहीं से आ रहा है, तो वहाँ पर नीचे जगह है, तो पता नहीं वो नीचे से आती है ऊपर से आती है कहाँ से आती है, बट मैं उसको देख चुकी हूँ 1-2 बार, तो किचन में छिपकली आती है। बट इसमें हॉल वाली जो बैल्कनी है ना, इसमें मैं क्या करती हूँ, हर थोड़े थोड़े दिन में 7-8 days 10 days में स्प्रे मार देती हूँ, काला हिट वाला जो होता है ना पूरी बाउंड्री पे, तो नहीं आती वैसे छिपकली, और आती भी होगी रात वात में तो पता नहीं, बट ऐसे अभी दिन में शाम को, दिन में तो वैसे ही नहीं आती है, शाम को
तो हम लोग बैठते हैं ओपन करके, तो मुझे टच वुड दिखी तो नहीं है, एक आध बारी दिखी है, बट तो मैंने भगा दी थी। तो ऐसा सिस्टम है, छिपकली तो आती है यार ओपन स्पेसेस में और जहाँ पर इतने सारे प्लांट्स वहाँ आती है। ओके गाइस, सो आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग चपाती टुडे। विक्की के लिए एक्चुअली डिनर का इंतजाम हो गया है, वो अपने हिसाब से खा लेगा फटाफट क्विक वाला। सब्जी ऑल दो सुबह की रखी हुई है, तो हम लोग चावल फटाक से बना लेंगे, बट मुझे खाना है कुछ अच्छा चटपटा सा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर का। तो मैं बनाने वाली हूँ मोनाको चाट। बहुत सिंपल होती है, मतलब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो जो चीजें आपके पास है आप सिर्फ उससे बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ इसको। तो यहाँ पर मैंने लिया है अनियन एंड क्यूकम्बर। अब मैं इसको एकदम बारीक तरीके से चॉप कर लूँगी। एंड यहाँ पर मैंने लिया है मेयोनीज। सो इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ स्प्रेडर की हेल्प से। आप मतलब इसमें जैसा आपको जो जो भी आपके पास सॉसेस अवेलेबल हैं, पिज़्ज़ा टॉपिंग्स है, कुछ भी है ना, आपको जो मर्ज़ी आप वो सब लगा दो, क्योंकि इसके साथ चाट खान मतलब जो इसके ऊपर मैं बना रही हूँ ना, वो हर चीज़ में टेस्टी लगता है। तो जो भी मेरे पास होती है मेयोनीज होती है तो डालती हूँ, अदरवाइज़ कोई सॉस लगा लेती हूँ, कोई टॉपिंग्स लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ली है सब पे अच्छे से मेयोनीज लगा ली है। अब इसके ऊपर हमारे पास ग्रीन चटनी, जरूरी नहीं आप डालें, बट ग्रीन चटनी से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो हरी चटनी होती है ना, पुदीना एंड धनिया वाली, वो चटनी भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। सब पे मैं ऐड करूँगी, स्प्रेड करूँगी इसको, और उसके ऊपर फिर मैं ये जो अनियन एंड क्यूकम्बर वाला है ना, ये जो हमने बनाया था मिक्सचर बनाया था, वो चॉप करा था, वो हम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पर मैंने इसमें टमेटो सॉस डाल दिया है। इसके ऊपर मैं ये पिज़्ज़ा टॉपिंग जो होता है सीजनिंग, वो डाल रही हूँ। जो आपके पास हो वो डाल लो, पेरी पेरी हो तो वो डाल लो। उसके ऊपर यहाँ पर मैंने आलू भुजिया डाल दिया है। आलू भुजिया डालने के बाद मैं यहाँ पर चीज़ के, जो ये मेरे पास क्यूब चीज़ था, तो मैं उसमें से छोटे छोटे से पीसेस ले करके इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसको करेंगे माइक्रोवेव, तो 40-50 seconds के लिए ही हमको करना है, ताकि जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो करके पूरे जो बिस्किट है उसके ऊपर आ जाए। एंड यहाँ पर चीज मेल्ट हो चुका है एंड ये बहुत टेस्टी लगता है, मतलब अभी मुझे पानी आ रहा है। एंड विद इन 10 minutes, मतलब लिटरली 10 minutes में ये बन जाता है, ट्राई जरूर करिएगा। उसके बाद सब कुछ खा पी करके यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी। तो जो हमने मलाई के ऊपर दही डाला था ना, वो अब ऐसा हो चुका है, तो इसको अब हमको एक ब्लेंडर में कन्वर्ट कर देना है। तो एक्चुअली मैंने ना गलती कर दी थी कि मैंने मीडियम साइज़ का ब्लेंडर ले लिया था, मुझे और बड़ा ब्लेंडर लेना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी, तो अब मैं इसको कन्वर्ट, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे वाले जो बड़ा जार है उसमें। एंड अब ये जो हमारा मक्खन बन चुका है, तो इसमें से हमको अच्छे से पानी ऐसे दबा दबा करके निकाल लेना है। और ये देखिए, ये ऐसे बॉल शेप में बन जाता है, ये ऐसा लग रहा है मुझे जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं बच्चों के खेलने की कुछ होती है, मेरा नाम दिमाग से स्लिप हो गया, जेली टाइप की जो होती है, वैसा वैसा लग रहा है ये। तो ये सारा पानी निकाल लिया। अब ये जो है ये बटर है, इसमें अगेन अब इसको हम पानी से वॉश करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हमने इस तरह से पानी फिल कर दिया है, और ये जो पानी है ये इसको फेंक देंगे, तो ऐसे इसको वॉश करना रहता है। और उसके बाद बस अब कुछ नहीं, अब आपको पैन जो भी है आपका वो लेना है, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, कोशिश करिए कि आयरन का ही लें, क्योंकि ऐसा मेरी मम्मी ने भी बताया था और मैंने एक दो वीडियोस इससे पहले भी देखे थे श्योर करने के लिए। तो उन्होंने भी सेम चीज़ ही बोला कि आयरन कैसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस अब हमारा ये घी प्रोसेस हो रहा है, और एकदम लो फ्लेम में आपको इसको बनाना होता है। ओके गाइस, सो मैंने क्या किया हुआ है ना, ये दो कढ़ाइयाँ यूज़ करी है, एक तो मैंने कास्ट आयरन यूज़ किया है और एक ये जो नॉर्मल आयरन वाली कढ़ाई है वो। तो एक्चुअली जितने भी मैंने वीडियोस देखे और जब मैं अपनी मम्मी से ही बात करी थी, तो ये लोग सब आयरन की ही पैन या कढ़ाई यूज़ करते हैं, सो दैट यू नो घी में और ज़्यादा आयरन वायरन सब मिल जाए, सब कुछ अच्छा ही एकदम बन जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं, अभी मुझे लग रहा है कि बन जाएगा। 30-40 minutes लगेंगे अभी आराम से। अभी बज रहा है 10 बज रहा है, तो मतलब मुझे 11 बजे तक तो एनीहाउ जगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए, ये इस तरह से इसको स्टर भी करना पड़ रहा है, अदरवाइज वो नीचे चिपक ना जाए। दैट्स वाई आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा टर्न आउट होगा। अगर ये परफेक्ट टर्न आउट हो गया, मतलब घर का घी एकदम प्रॉपर बन गया, तो भाई फिर घर पे ही घी बनेगा, क्योंकि हमारा जो हम दूध का जो लेते हैं, हम वो मार्केट वाला नहीं लेते हैं, हम प्रॉपर जो प्रॉपर गाय का दूध आता है, देसी गाय का, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उसकी मलाई हम इतने टाइम से ना वेस्ट ही कर रहे थे लिटरली। तो अगर उसका बन जाता है, तो वही है कि A2 घी हमारे घर में प्रिपेयर हो गया।
एंड ओ माई गॉड, हमारा जो घी है वो बनके रेडी हो चुका है. एकदम येलो कलर का निकला है घी और कितना अच्छा लग रहा है देखने में. बड़ी खुशी हो रही है मुझे इसको देख करके. सो यस, अब मैं नेक्स्ट डे इसको यूज़ करूँगी रोटियों में एंड दाल में और इसका टेस्ट देखेंगे कि कैसा आया है. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो कल के बाद मैं आपसे आज मिल रही हूँ. मैं यूजुअली रात को खाना खाने के बाद ब्लॉग करना पूरी तरह से भूल जाती हूँ, जबकि मैंने सोचा था कि मैं ये मॉर्निंग टू नाइट रूटीन बनाऊंगी, बट ठीक है. एनीवेज, तो अभी आज सुबह वही नॉर्मल जो काम होता है वही कर रही हूँ मैं. और आज मैं बना रही हूँ, आज मुझे एक्चुअली दो तीन शूट करने हैं. क्यू एन ए वीडियो जो है मैंने पोस्ट किया था, नॉट यूट्यूब पे नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं क्यू एन ए वीडियो करने वाली हूँ. आपको फैन की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ झेल लेना. हाँ, तो मैंने पोस्ट किया था कि मैं क्यू एन ए वीडियो कर रही हूँ, तो उसके लिए क्वेश्चंस भेजिएगा. तो वही क्वेश्चंस आए हैं कुछ, तो एक आध क्वेश्चन तो वही इरिटेटिंग जो हर बार आता है वो मेरे पास आया है इस बार भी. तो मैं दूंगी इस बार आंसर, अच्छा बढ़िया आंसर देने वाली हूँ. और मैंने इसलिए यूट्यूब पे नहीं डाला, यूट्यूब की कम्युनिटी में मुझे पता है बहुत सारे लोग जो यूट्यूब देखते हैं वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो उन लोगों का क्वेश्चन डेफिनेटली मिस हो गया होगा. तो एक्चुअली होता क्या ना, अगर मैं यूट्यूब पे भी डाल देती हूँ और इंस्टाग्राम पे भी डाल देती हूँ तो इतने क्वेश्चन हो जाते हैं कि एक आप वीडियो कितने मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, 18 मिनट 20 मिनट, उससे ज़्यादा करो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है. तो ये जितने क्वेश्चंस हैं ये भी मुझे लगता है पता नहीं 20 मिनट में कंप्लीट हो पाएंगे नहीं, बट मैं जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो जिनका मुझे आंसर देना है वैसे वाले आंसर दे दूंगी. तो आज मैं बना रही हूँ ये सोया चंक, और आज जो मैं रोटियाँ भी बनाने वाली हूँ ना उन रोटियों में मैं लगाऊंगी ये वाला घी जो मैंने कल बनाया है घर का. सो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सोया चंक की सब्जी. और अब मैं जाती हूँ शान लेने के लिए. तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.